हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज से की क्लास जो रिलेटेड है फोटोशॉप से, अडोब फोटोशॉप, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे पेन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पेन टूल यूज कर सकते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड ओपन करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी ग्रिड को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया है, बट अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो एक वीडियो मैं और बनाता हूँ इसमें। तो हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि हमें पेन टूल कैसे यूज करना है। ये हमारा पेन टूल है। पेन टूल में बहुत, मतलब मोस्टली कितने 5-6 ऑप्शन होते हैं अलग अलग वर्जन के अंदर, बट हमें मोस्टली एक से दो वर्जन जरूरत पड़ते हैं। तो हमें कैसे यूज करना है तो आइए चेक देखते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला दिया पेन टूल्स, तो जैसे हमें पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा फिल, यहाँ शेप, सबसे पहले शेप पे आते हैं। शेप पे हमें शेप रखना, पाथ नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद फिल, फिल पे हमें फिल को जीरो करना, नील करना है, मतलब हमें फिल नहीं चाहिए ना, ठीक है। अगर हमें फिल चाहिए तो क्या होगा कि हमें इस पे क्लिक करना है। मान लीजिए हमें रेड फिल चाहिए, तो दैट्स ऑल। अभी क्या होगा कि जैसे हम यहाँ से ऐसे कुछ भी एक इमेज बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ये फिल हो गया है। अगर आप किसी कुछ, आप ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको फिल चाहिए तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको फिल नहीं चाहिए तो आप सिर्फ फिल को हाईलाइट करके यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। और फिल में अगर डबल कलर देना हो तो हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, इसमें डबल कलर ग्रेडियंट लेयर आ जाएगी। ये हुआ फिल के बारे में। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में क्या है कि हमारा यहाँ कलर, हमें स्टॉक का मतलब है कि कोई लाइन्स हमें किस कलर में चाहिए। जैसे ये हमने लाइन को प्रेस बनाया, कुछ भी डिजाइन बना दिया, तो हमें ये लाइन किस कलर में चाहिए, हम लोग यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमें रेड कलर चाहिए, हमें ब्लू कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, हमें ग्रीन चाहिए, या एक्स वाई जेड कोई भी चाहिए। और अगर हमें इसे डबल लेयर में बनाना चाहे तो हम यहाँ से इसे डबल में कर सकते हैं। जैसे यहाँ ब्लैक कलर है, तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ से हमने क्लिक किया या हमने कुछ कलर इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें इंपोर्ट नहीं करने, जैसे हमें यहाँ कुछ ग्रेडियंट आपस में नज़र आ रही है, तो ये हमें इनमें से जो सेलेक्ट करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा डबल कलर में ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कस्टम अगर करना चाहें तो कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ सिंपल वे पे ग्रेडियंट में हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल कलर चाहिए या हमें ग्रेडियंट चाहिए या हमें क्या चाहिए, ये लोग हम लोग अपने आप यहाँ से इसका डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये कलर चाहिए। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अभी ये हो गया, अभी हमारा इसको डिलीट मारते हैं, इसको डिलीट किया। अभी हमारे पास हमने ये सिंपल जो पेन टूल है फर्स्ट वाला, इसे हमने यही सीखा कि हमने अगर हमें ये सीधा करना है, जैसे स्ट्रेट में कुछ भी लाइन बनानी है, ये सिंपल वे ये समझ लीजिए, हमें इस तरह का कुछ डिजाइन करना है तो हम इससे कर सकते हैं। और नंबर दो, हमारा यहाँ इसके साथ नहीं आता जो इसकी विड्थ, हमें विड्थ क्या रखनी है, हम इसका विड्थ कितना चाहते हैं, हमें इतना ये मोटापे में चाहिए, कितना गोलाई में चाहिए, कितना उसमें चाहिए। और तीसरी बात आती है इसमें, तीसरी बात ये लाइन्स हमें डॉटर्स में चाहिए तो हमें डॉट में बन सकते, हमारे छोटे डॉट में चाहिए तो छोटे में मिल जाता है। और यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसके कॉर्नर कैसे होने चाहिए, कॉर्नर इसका
ऐसे होना चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए, तो उस टाइम ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आता अपना आता है, इसे हम लोग डिलीट मारते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हमें पैन टूल्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सिंपल वे के लिए हमें अगर कोई स्ट्रेट लाइंस खींचनी है या कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट में हमने कोई सेटअप बनाना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग सिंपल यहाँ से बना सकते हैं, कुछ भी सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ सेटअप्स में ऐसा होता है कि हमें एक नए पेन टूल्स की जरूरत पड़ती है। कैसा? जैसे कि मैं वो कहूँ जिसमें इसमें ये 3 नंबर का कर्व पेन टूल्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें जिस तरह से ये हमें हेल्प मिलती है, जैसे मैंने ये इस कॉर्नर पे निशान लगाया, उसके बाद 4 काउंट किए, सॉरी 3 काउंट करता हूँ, 3 किए ये बना, उसके बाद 1 2 3 काउंट किए, उसके बाद फिर मैंने यहाँ सीधा निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ यहाँ लगाया, देन उसके बाद मैंने यहाँ लगाया, तो क्या बना, ये कर्व बन गया। हमने कर्व बनाया नहीं था, हमने तो सिर्फ इसकी डिमेंशन लिखी, इसके सामने यहाँ रखा, इसकी हाइट और विड्थ एक जैसी है, जैसे 6 इसमें 6 पैनल लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ही रहा यहाँ रखे, तो ये राउंड बन गया। तो इस तरह से इसको हम लोग इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वही सेम इसकी जितनी विड्थ चाहे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी टूल्स किस काम में आएगा, जैसे कि हमने कुछ बनाया आपका जैसे हम कुछ लाइंस ऐसे बनाते हैं, एक ही हमें ये लाइन चाहिए, ये लाइन हमने यहाँ तक की। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया, उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ से और खींचा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको भी हमने एंटर किया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नया डिजाइन बनाना है, तो क्या होगा, हमने सिंपल यहाँ से 3 नंबर पे पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद हमने क्लिक सिंपली यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद हमने यहाँ क्लिक करना है सेंटर में, और तीसरा हमें करना है यहाँ क्लिक, तो हमारे यहाँ बन गया ये, इसे एंटर किया। उसके बाद सेम सेम सिचुएशन इधर होगी हमारी, हमने यहाँ क्लिक किया, फिर हमने यहाँ क्लिक किया, देन हमने यहाँ क्लिक किया, तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन गया। ये थोड़ा मुझसे आउट हो गया, ये इसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं, क्या क्लिक करके हम लोग इसको बीच में ला सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैं थोड़ा डीपली पास में से देखोगे तो आप लोग सेट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। तो यही है कि हम लोग पेन टूल्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल को आप राउंड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन टूल को आपको उसके एज साइड के जो कॉर्नर है वो राउंड करने हैं तो वो बनाने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अदरवाइज उसके बाद आप जो स्टेट है, जो पहला पेन टूल है, पहला जो फर्स्ट टाइम पे है, फर्स्ट लाइन पे है, तो उससे आप स्टेट लाइंस या कोई भी डिजाइंस इस तरह से बना सकते हैं। और ग्रिड का फायदा ये है कि आपने एलईडी वॉल पे अगर मैपिंग के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सिंपली यहाँ आप प्लस में जाइए, बिल्कुल जूम कीजिए, जूम करने के बाद हमें एक ही निशानी लगा के, तो इससे क्या अपने डिजाइन को बना सकते हैं। इससे होगा क्या, होगा ये कि आपका जो साइज है, जो आप जिस पे बनाना चाहते हो, वो उसके प्रॉपर ही बनेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं बनेगा। आपके आपने जो एक पैनल पे कुछ चलाना चाहते हो, आप उस जो डिजाइन एक पैनल पे दिखाना चाहते हो, वो आपका उसी डिजाइन वो उसी पैनल पे बनेगा, ना कि किसी और पे। तो अपने इस वैलिडिटी वॉल के अकॉर्डिंग अपना ये ग्रिड बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये ग्रिड को कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। वैसे भी मैं पुरानी वीडियो में पढ़ चुका हूँ, पर लास्ट टाइम एक बार फिर हम लोग इसके बारे में
और बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।